दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे स्किल्स के बारे में बताएंगे जो अगर आप सीख जाएं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्किल हर अमीर आदमी सीख चुका होता है और वो उसे अपने लाइफ में अप्लाई करता है, इसलिए वो अमीर हो जाता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी ये स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए पहले स्किल की बात करते हैं। पहला है नेगोशिएशन स्किल। दोस्तों, दूसरों से अपनी बात मनवाना और अपने बात को दूसरों के दिमाग में डालना नेगोशिएशन स्किल कहलाता है। इसके हिसाब से जब आप किसी व्यक्ति को अपने दिमाग के विचारों के बारे में बता सके, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सके, किसी और को ये समझा सके कि आपके आइडिया से उसका कैसे फ़ायदा हो सकता है, या आप किसी तरीके से मार्केटिंग कर सके, तो इसे नेगोशिएशन स्किल कहते हैं। आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विस से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, या आप अपना इंटरव्यू भी देने जाए, आप जॉब भी करते हो, तो भी आपको नेगोशिएशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सीखना ही चाहिए। नेगोशिएशन स्किल से आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति को नेगोशिएट कर सके और उसे अपनी बात मनवा सके तो आप उससे जो चाहे वो काम करवा सकते हो। दोस्तों, ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो नेगोशिएशन स्किल में माहिर होते हैं। वो लोग दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं और वो दूसरों से वो भी काम करवा सकते हैं जो काम वो करवाना चाहते हैं। वो लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ देते हैं जिसके कारण लोग उन्हें भूल नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको नेगोशिएशन स्किल पर प्रैक्टिस करना चाहिए। आप चाहे तो इसे कहीं से भी सीख सकते हैं। आप इसके ऊपर कई बुक्स पढ़ सकते हैं या कोई ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों लीडरशिप। दोस्तों, एक अच्छा लीडर चाहे कमज़ोर एम्प्लॉय ही क्यों ना हो उससे भी अच्छा काम ले सकता है, जबकि अगर एम्प्लॉय ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और लीडर कमज़ोर हो तो भी वो कॉरपोरेशन डूब सकती है। अगर आपका बिजनेस बिना लीडर के चल रहा है या उसमें कोई अच्छा लीडर नहीं है तो वो बहुत जल्दी डूब सकता है, क्योंकि एक लीडर ही बाकी लोगों को गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए या उनको किस तरीके से सोचना चाहिए। एक लीडर किसी भी डूबते हुए कंपनी को ऊपर उठा सकता है, वहीं एक बुरा लीडर किसी भी उठते हुए या ग्रो करते हुए कंपनी को भी डुबा सकता है। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है, अपने टीम को मैनेज करना है या लोगों से काम करवाना है, तो आपको एक अच्छा लीडर बनना चाहिए। अच्छा लीडर वो होता है जो पहले खुद को बेहतर बनाता है। उसके अगर आप एक सच्चा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद पहले काम करना चाहिए। दोस्तों, लीडर वो होता है जो पूरे टीम को साथ में लेकर के चलता है और सबको इंस्पायर करता है, सबको मोटिवेट करता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर अमीर लोग लीडर होते हैं, या जितने भी लोग जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बड़े बिग स्केल पर सक्सेस हासिल करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं। वो लोग लोगों पर अपनी बात थोपते नहीं है, बल्कि वो लोगों को इस तरीके से समझाते हैं कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या उनके बातों को मानने लग जाते हैं। यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। एक लीडर कभी भी दूसरों पर दबाव नहीं डालता, बल्कि वो उनको अंदर से इंस्पायर करता है। वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने सेट करता है जिनके कारण ऑटोमेटिकली वो लोग उनके लिए काम करने लग जाते हैं। दोस्तों, फॉलोअर में और लीडर में बहुत बड़ा अंतर यही होता है कि फॉलोअर वही करता है जो लीडर कहता है, जबकि लीडर को खुद सोचना पड़ता है कि उसे क्या कहना चाहिए या किस तरीके से वो एक्ट करे कि उसे उसके फॉलोअर उसके बातों पर अप्लाई कर सके। और इसीलिए ज़्यादातर लोग एक अच्छा लीडर नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग लीडरशिप में माहिर हो जाते हैं तो नेगोशिएशन में नहीं हो पाते, और कुछ लोग नेगोशिएशन स्किल में माहिर हो जाते हैं तो लीडरशिप में नहीं हो जाते। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है या बहुत ग्रैंड लेवल पर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको दोनों स्किल आना चाहिए। पहला है नेगोशिएशन स्किल, लोगों से काम लेने का स्किल, और दूसरा है लीडरशिप। आपको अपने टीम को लीड करना आना चाहिए। धन्यवाद।